आज हम लोग हल करने वाले हैं समीकरण पाठ प्रश्नावली 4.2। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई शर्तों से समीकरण बनाइए, मतलब यहाँ पे शर्त लिखा हुआ है और शर्त के हिसाब से हमको क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। तो चलिए देखते हैं समीकरण कैसे बनाते हैं। तो देखिए हमारा सवाल है, किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 24 है। तो जो किसी संख्या, मतलब जो किसी संख्या है, ये क्या है, अज्ञात संख्या है जिसका हमको मालूम नहीं है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वह माना कि वह संख्या बराबर x है। मतलब अज्ञात संख्या क्या है, x है, के 2/3 भाग का मान 24 है। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा यहाँ पे प्रश्नानुसार, क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार जो संख्या का 2/3 भाग, मतलब ये 2/3 भाग, मतलब 2/3 एक्स बराबर कितना आ जाएगा 24। मतलब हमने जो संख्या दिया था उसका 2/3 भाग, मतलब यहाँ पे 2/3 को गुणा कर दिए तो किसके बराबर है, ये 24 के बराबर। तो हमारा समीकरण बन के तैयार है, 2/3 भाग कितना आ गया 24। अब उसी प्रकार देखिए समीकरण प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, पिता की उम्र पुत्र के उम्र की दुगनी है तथा दोनों के उम्र का योग कितना है 1 वर्ष। तो यहाँ पे हम लोग पिता का उम्र अज्ञात है और इसमें क्या है, पिता का उम्र है और यहाँ पुत्र का उम्र, तो हम लोग यहाँ पे पुत्र का उम्र लिखेंगे क्योंकि पुत्र के उम्र का क्या है, वो दुगना है। पिता का उम्र लिख देंगे तो थोड़ा सा नहीं बनेगा। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ जैसे लिखे हैं सेम लिखते हैं, माना कि पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा x, यानी देंगे 1 वर्ष। अब इसका क्या है, पिता का उम्र दुगना, तो प्रश्नानुसार पिता का उम्र क्या हो जाएगा, पिता का उम्र बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना, मतलब इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है, पिता का उम्र और पुत्र का उम्र कितना है 51 वर्ष। तो यहाँ पे बोल सकते हैं पिता का उम्र नहीं, पुत्र का उम्र कितना है x, पिता का उम्र कितना है 2x, दोनों का योग कितना हो जा रहा है 51। तो इस प्रकार ही हमारा उत्तर पहला का आ चुका है, उसी प्रकार ही हमारा उत्तर किसका है, दूसरे नंबर का। मात्र हमको समीकरण बनाना है उसको हल नहीं करना है। तब अगला दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3, किसी संख्या के 1/10 का भाग कितना है 2500 रुपये है। उससे मान लेंगे, माना कि वह संख्या कितना है x है, तो फिर प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा x का 1/10 भाग, मतलब 1/10x बराबर 2500 रुपये, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। मात्र हमको समीकरण लिखना है प्रश्नों को पढ़ के। और प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, लगातार 2 संख्याओं का योग 15 है। तो लगातार 2 संख्या कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 2 होगा, अगर पहली संख्या मानते हैं 5 तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 6। तो लगातार कोई भी 2 संख्या को लेना है, यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या कितना हो जाएगा x, उसी प्रकार दूसरी संख्या क्या हो जाएगा,
जैसे हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, एक के बाद आता है दो, हम लोग क्या करते हैं एक में एक को जोड़ देते हैं तो दो आता है, दो में फिर एक को जोड़ देते हैं तो तीन आएगा, तीन में फिर एक को जोड़ देते हैं तो चार आता है। तो हमने पहली संख्या किसको माने हैं एक्स को, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा एक्स में एक को जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है और दोनों का योग 15 है, तो प्रश्नानुसार बोल सकते हैं दोनों का योग, दोनों का योग प्रश्न में दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा एक्स धन एक बराबर 15। ये हमारा उत्तर है। अगला सवाल है, किसी परिमेय संख्या का हर अंश से 5 अधिक है एवं परिमेय संख्या कितना है 19/24। यहाँ पे लिख सकते हैं अंश, इसमें क्या दिया हर अंश से कितना है 5 अधिक है, तो हर अंश ध्यान देना है, मतलब यहाँ पे अंश से हर 5 अधिक है। यहाँ पे लिख देंगे माना कि परिमेय संख्या का अंश कितना है x, तो उसका हर कितना हो जाएगा हर परिमेय संख्या का हर मतलब x से 5 अधिक, मतलब x धन 5 जितना संख्या होगा उससे क्या हो जाएगा 5 अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या प्रश्नानुसार हमारा परिमेय संख्या कितना हो जाएगा एक्स बटे एक्स धन 5 बराबर कितना दिया हुआ है 19/24। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आ चुका है। हमारा अगला सवाल है 2, किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने पर उसका मान 31 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल आपके सामने है, तो लिख देते हैं माना कि संख्या कितना है x है, जो अज्ञात संख्या है वो कितना है x है, मतलब किसी संख्या के 7 गुने में हमको क्या जोड़ना है 7 गुने में 3 जोड़ना है, जो हमारे पास जो संख्या दिया हुआ है इसे 7 गुने में कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है x है। तो प्रश्नानुसार करते हैं, प्रश्नानुसार संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने पर, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा संख्या का के संख्या का 7 गुना कितना हो जाएगा, इसमें ये x है इसके 7 गुना होगा, इसमें 7 गुना कर लेंगे तो कितना हो गया ये 7x। अब इसमें हम लोग क्या बोलते हैं 7 गुना कर दिया, हमें दूसरा शब्द दिया गया है तो हम लिख सकते हैं 7 गुना में 3 जोड़ देते हैं, तो हम 7 गुना में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 31। तो प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा 7x धन 3 बराबर 31। ये हमारा समीकरण बन के तैयार है। अब इसको हमको क्या करना है, इस समीकरण को हल करना है, तो जो हल है 4.1 में पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से होगा, तो ये 3 को क्या कर देंगे पक्षांतर, यानी सकते हैं
पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर यहाँ कितना बच जाएगा, 7x = 31 - 3। अब 31 में 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 28। 7x = 28। फिर 7 को पक्षांतर कर देते हैं, यानी देखते हैं पुनः 7 का, यानी सकते हैं दोनों ओर 7 का भाग करने पर यहाँ कितना हो जाएगा, 7x = 28/7। ये 7 कट गया, 7 एकम 7, 7 × 28 तो x = कितना आ गया, 4। तो इस प्रकार देखिए जो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है माना कि वह संख्या, तो हमारा जो संख्या कितना प्राप्त हुआ, 7। तो जो हमारी संख्या है, हमारी संख्या कितना प्राप्त हो रहा है, x = प्राप्त हो रहा है 7। तो इसका जो है कितना गुना बोल रहा है, 7 गुना। इसमें 7 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या का 7 गुना, तो संख्या का 7 गुना। तो यहाँ पर कितना है, ये 7x था हमारे पास, इसमें क्या करेंगे, 7 × 4 हमारे पास x = कितना आया है, 4। तो गुना कर दिए तो कितना, 7 × 28। और इस 28 में कितना 3 जोड़ देंगे, तो देखिए 3 जोड़ दे रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है उत्तर, 31। तो इस प्रकार हमारा सवाल बनकर तैयार है। हमारा अगला सवाल है, राम और श्याम में 300 रुपया को इस प्रकार बांटिए कि राम को श्याम को मिले रुपये के 3 × 100 रुपया कम मिले। मतलब सवाल है, तो इस सवाल जो है लिख लीजिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, राम और श्याम को हमको ऐसा बांटना है पैसा को कि जो 3 गुना उसको मिलेगा उससे क्या रहेगा, 100 रुपया कम रहेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं माना कि श्याम को x रुपये मिले, मतलब श्याम को कितना रुपया मिलता है, x रुपये मिलता है, तो राम को कितना मिलेगा, राम को बताइए कितना मिलेगा, जो राम को मिलना है प्रश्न में कितना बोलता है, 3 × 100 रुपया कम। तो ये इसका जो 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x = 100। अरे इसको जितना मिल रहा है उसको 3 गुना से क्या कर देंगे, 100 रुपया कम कर देंगे। तो हमारा जो शर्त बन रहा है, समीकरण बनेगा, क्या बनेगा, प्रश्नानुसार हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण मतलब टोटल रुपए, मतलब दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x = x = टोटल रुपए कितना है, 300 रुपये है। क्या आप लिख देंगे, 300। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x, और ये सब इधर पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 × 100। तो 4x = 400, 100 में 300 में 100 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 400। तो x = कितना प्राप्त हो जाएगा, 400/4, 4 × 4 4 × 0 = 0। तो इस प्रकार x = कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो देख लीजिए हमारे पास जो सवाल है आ चुका है, मतलब श्याम को कितना रुपया मिल रहा है, 100 रुपया।
तो इस प्रकार श्याम को प्राप्त रुपये कितना है 100 रुपये। तो राम कितना हो जाएगा, राम को प्राप्त रुपये कितना है 3 × 100। जो x बराबर 100 आया इसमें 100 लिख देंगे, ऋण 100, तो गुणा कर देते कितना हो जाएगा 300 × 100 बराबर 200 रुपये। तो देख लीजिए हमारा उत्तर जा चुका है। सवाल नंबर 4 हल करने जा रहे हैं। हमारा सवाल नंबर 4 है, देखिएगा, वह संख्या ज्ञात करो जिसमें 4 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 42 अधिक हो जाती है। जो संख्या है उसमें जो प्राप्त संख्या होगा उसमें क्या होगा, प्राप्त संख्या से 42 अधिक हो जाता है 4 से गुणा करने पर। तो चलिए हल करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, माना कि वह संख्या कितना है x है, तो 4 से गुणा करेंगे तो संख्या कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करने पर, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 4 से गुणा करने पर वह संख्या कितना हो जाएगा 4x। तो जैसे हम लोग 4 से गुणा करते हैं हमारा वो संख्या कितना हो जाता है 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, जो हमारा प्रश्न बोल रहा है प्रश्नानुसार क्या बोलता है, प्रश्नानुसार क्या बोलता है, 4 से गुणा करेंगे इस संख्या में तो क्या हो जाएगा, इसमें 42 अधिक हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 से गुणा कर देंगे तो जो संख्या है इस संख्या में कितना अधिक हो गया, ये 42 अधिक हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये समीकरण बन जाएगा। प्रश्न में बोल रहा है कि 4 से गुणा किए, माना कि वह संख्या कितना था x था, उसमें 4 से गुणा करने पर संख्या क्या होता है 42 अधिक हो जाता है, मतलब मूल संख्या में 42 अधिक हो जाता है। अब इसको हल करेंगे तो ये इधर x पक्षांतर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं x को पक्षांतर करने पर, ये 4 नंबर है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4x ऋण x बराबर 42, 4 में एक घटा देंगे बचेगा 3x, तो 3x बराबर 42, तो x बराबर कितना आ जाएगा 42/3, मतलब 3 का पक्षांतर कर दिए तो कितना आ जाएगा 13 × 3 = 3, और एक बचा दो 3 × 4 = 12, तो x बराबर कितना आ गया 3 × 4 = 12, x बराबर कितना हो जा रहा है 14। तो हमारा जो ये मूल संख्या कितना है 14 प्राप्त हुआ। अब देखिए 14 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास जैसे 14 में 4 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है 14 × 4 = 56, 56 है, और इसमें इस 14 को घटा देते हैं, देखिए तो 14 × 6 = 4 घटाएं कितना बचेगा 2, और 5 में घटाएं कितना बचेगा 4, तो देख लीजिए हमारे पास 42 आया। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 5 है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, यदि आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, हमारा सवाल है
इसमें जो हमारा जो चौड़ाई है कितना होगा अज्ञात है, और लंबाई उसमें क्या होगा उससे 3 सेंटीमीटर अधिक होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं माना कि आयत की चौड़ाई x मीटर है, या लिख देंगे माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर। तो ये चौड़ाई है हमारा x सेंटीमीटर, लंबाई इससे क्या है 3 सेंटीमीटर अधिक है प्रश्न अनुसार। तो लिख सकते हैं आयत की लंबाई कितना होगा, इसे 3 अधिक मतलब x में 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा x घन 3 सेंटीमीटर। और प्रश्नानुसार आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ध्यान लिख सकते हैं प्रश्नानुसार आयत का परिमाप प्रश्नानुसार आयत का परिमाप क्या दिया हुआ है, परिमाप बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात है आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणित चौड़ाई धन लंबाई। बराबर 30। तो हम देख लिए यहाँ पे मान रख देते हैं ये 2 है तो चौड़ाई कितना है x है और लंबाई कितना है x धन 3 बराबर 30। जैसे आयत जो रहता है परिमाप में क्या है सभी भुजाओं का योग, जैसे ये भुजा और ये भुजा समांतर बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर होते हैं, तो ये चारों भुजाओं का योग क्या रहता है लिखना रहता है। हमारे पास ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई बराबर बराबर है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, सूत्रीकरण किया हुआ है यहाँ पे। या तो यहाँ चाहते तो ऐसा भी लिख सकती थी ये x धन 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगी 1 2 3 4 से हो जाएगा 4x धन 3 6। अगर में हमारे पास सही आएगा इसमें भी। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको ये x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2x x x 2x धन 3 बराबर 30। अब कोष्ठक को हल करते हैं 2 × 4x धन 6 बराबर 30। देख लीजिए ये आयरन सूत्रीकरण में अभी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे इसको चित्र के माध्यम से बराबर 30 है। अब इस 6 को क्या कर देंगे पक्षांतर करेंगे तो लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 4x बच जाएगा 6 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 × 6। अब घटा देंगे 4x में 6 को कितना बच जाएगा 24। तो x बराबर कितना आ गया 24/4 4 × 4 = 24। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 8 आया है। अब हमारे पास जो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना था तो ये जो चौड़ाई कितना है इसका x है तो लिख सकते हैं चौड़ाई बराबर 8 सेंटीमीटर और लंबाई, ये लंबाई है 3 सेंटीमीटर अधिक है, यहाँ हो जाएगा लंबाई 8 × 3 = 11 सेंटीमीटर। अब अगर दोनों को मान रखते हैं
आठ छः नहीं यहाँ पे छः होगा, छः चौको होता है, आठ छः चार पाँच छः बीस, चार छः 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 होगा। थोड़ा सा मैं गलती लिख रहा था, चेक कर रहा हूँ तो पता चल रहा है यहाँ पे छः छः और यहाँ पे नौ। तो यहाँ पे अगर लिख दें तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए ये छः छः और ये छः तीन नौ नौ, सभी को जोड़ने से कितना आना चाहिए तीस। तो ये हो जाएगा छः छः बारह, बारह और छः इक्कीस, इक्कीस और नौ तीस। थोड़ा गलती हो जा रहा था। हमारा अगला सवाल है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। यदि आयत का परिमाप 90 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई कितना है 2:3। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लंबाई कितना है 2x और चौड़ाई कितना है 3x। यहाँ मान सकते हैं, माना कि आयत की लंबाई बराबर 2x दिया हुआ है, इसी प्रकार आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा 3x। 2:3 दिया हुआ है। अब आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है 90। आयत का जो परिमाप दिया हुआ है हमारा कितना है 90। चलो लिख सकते हैं जो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आयत का परिमाप प्रश्नानुसार आयत का परिमाप कितना हो जाएगा 90 है। और हम लोग जानते हैं आयत का परिमाप कितना होता है 2। लंबाई ये सूत्र है हमारा, लंबाई धन चौड़ाई, या अगर सूत्र हिसाब से लिख सकते हैं सभी भुजाओं का योग भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आयत है इसलिए आयत का परिमाप ऐसा होगा। तो हम लिख देंगे 90 तो यहाँ पे 2 लंबाई कितना है 2x, चौड़ाई कितना है 3x बराबर 90। दोनों का आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3×2 5x बराबर 90। कोष्टक को हल करेंगे तो 5×2 10x बराबर 90। यहाँ देखिए 0 0 कट गया तो यहाँ कितना बचा x बराबर 9। तो हमारे पास कितना आया है देखिए, जो ये आयत की x का मान कितना आया है 9 आया है। अब लिख सकते हैं यहाँ पे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना हो जाएगा दिया हुआ है 2x, क्योंकि x बराबर कितना आया है 9, तो कर देंगे 9×2 18। उसी प्रकार चौड़ाई कितना हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई कितना है 3x बराबर 3×9 बराबर ये 27 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। हमारा 6 नंबर सवाल बन के तैयार। सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बालकों की संख्या ने बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या का 2/5 गुनी है तथा बालक तथा बालिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग हल करते हैं और
यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि बालक की संख्या क्या हो जाएगी, माना कि बालक की संख्या कितना हो जाएगा x। और यहाँ पे दिया हुआ है बालिकाओं की संख्या कितना दिया हुआ है, 2/5x। तो यहाँ पे बालिकाओं की संख्या कितना हो जाएगा, बालिकाओं की संख्या बराबर 2/5x। हमारे पास जो बालिकाओं की संख्या कितना है, 2/5x है, और दोनों का योग कितना है यहाँ पे, 35। क्या लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, बालक और बालिकाओं का योग लिख सकते हैं यहाँ पे, बालक धन बालिकाओं, बालिका बराबर 35। तो बालक कितना दिया हुआ है, x, बालिका कितना है, 2x/5 बराबर 35। अब इसका हम लोग हल करते हैं, तो कैसे इसका, इसके साथ तीजक गुणा हो जाएगा भिन्न जो, इसको अगर एक बार चाहे तो लिख सकते हैं कितना, 1/2x/5। इसका ऐसा तीसरा गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5x/2x/5 बराबर 35। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 7x, 5 की तरफ पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35×5। अब हम लोग यहाँ पे चाहे तो इसको ऐसे काट देते हैं, गुणा करते तो बड़ा संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, x/35×5/7, 7 × 7 = 35। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 5×5/25। मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कुल बालक कितने हैं, कुल बालक x = 25 और बालिका कितना हो जाएंगे, बालिका बराबर 2/5×25। 5 × 5 = 25 कट गया था बच्चा, 2×5 = 10। तो दोनों को जोड़ते हैं, देख लीजिए ये बालिका और बालक 35 ही आ रहा है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर सवाल नंबर 7 बनकर तैयार। हमारा है प्रश्न नंबर 8, किसी संख्या के चौथाई में 12 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमको उस चौथा में क्या करना है, 12 जोड़ना है। तो मान के चलते हैं, माना कि हमारा संख्या कितना है, माना कि कोई संख्या कितना है, x। तो प्रश्नानुसार इसका कितना हो जाएगा, चौथाई भाग। तो संख्या का 1/4 बोल सकते हैं, संख्या का 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4, मतलब इसका चौथा भाग, 1/4।
इसमें हम लोग 12 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है प्रश्न अनुसार। प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, मतलब इसमें 12 जोड़ेंगे तो x बटे 4 में 12 जोड़ने पर संख्या कितना प्राप्त होता है 20। तो अभी ये क्या हो जाएगा, इसे पक्षांतर कर देंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे 12 को पक्षांतर करने पर तो यहाँ कितना हो जाएगा x बटे 4 बराबर 20 गुणे 12। यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बटे 4 बराबर घटा देंगे 12 में 20 में 12 से कितना बचेंगे 8। हमारा कितना आ गया x बराबर 8 गुणे 4, इसका पक्षांतर कर दिए तो फिर कितना आ जाएगा x बराबर 32। और जैसे यहाँ पे x बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ है 32। अब देखते हैं एक चौथाई, मतलब x की जगह लिख देंगे कितना 32/4, तो कितना आ जाएगा 4 × 4 = 32। तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुआ कितना हुआ 8 प्राप्त हुआ। अगर इस 8 में हम लोग 12 को जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होता है 20। देखिए बाकी जांच नहीं करना था, एक छोटा सा जांच करके देख लिए। सवाल नंबर 9 है, दो क्रमागत संख्याओं का योग 35 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। क्रमागत कहने का मतलब क्या है, लगातार। दो संख्याओं का योग 35 है, यानी कि हम लोग माना कि पहली संख्या कितना है x। क्रमागत बोला है तो इसमें एक लगातार संख्या तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा x धन 1, मतलब दूसरी लगातार दूसरी संख्या क्रमागत दूसरी संख्या x धन 1। और प्रश्न में क्या बोल रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 35। तो प्रश्नानुसार दोनों का योग प्रश्नानुसार दोनों का योग x धन 1 बराबर कितना हो जाएगा 35। हम लोग इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, कोई भी जो संख्या को जोड़ के देखिए और हमको कितना लाना है 35। हम लोग इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं 17 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आएगा, हमारा होता 17 ही 18 आएगा, देख लीजिएगा 17 और 18 लगातार संख्या है। तो x कितना हो जाएगा 2x धन 1 बराबर 35। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो कितना बच जाएगा 2x बराबर 35 में 1 को पक्षांतर करने पर 2x बराबर 35 में घटा देंगे कितना बचेगा 34। x बराबर कितना हो जाएगा 34/2, 2×2 1×2=14। देख लीजिए x बराबर हमको पहली संख्या 17 ही प्राप्त हुआ है और दूसरी संख्या 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। ये पहली संख्या है तो माना कि ये कितना हो जाएगा हमारा पहली संख्या, लिख सकते हैं यहाँ पे पहली संख्या बराबर 17 और दूसरी संख्या
बराबर 18। सवाल नंबर 10। नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु की तिगुनी है। यदि उन दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है तो उन दोनों की आयु ज्ञात करो। तो हमारा सवाल है यहाँ पे, माना कि नम्रता की आयु कितना है। माना कि नम्रता की आयु कितना है, एक से प्रश्न में दिया हुआ है उसकी पिता की आयु उसके तिगुनी है। तो लिख दें यहाँ पे पिता की आयु बराबर तिगुनी 3x। अब प्रश्न अनुसार दोनों का योग, प्रश्नानुसार दोनों का योग मतलब x धन 3x बराबर 42, मतलब दोनों का योग कितना दिया हुआ है 42, 42 नहीं है 48। अब इसको हल करते हैं, कितना हो जाएगा 3x और 1x मतलब 4x बराबर 48। अब इसको काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। तो हम लोग बोल सकते हैं नम्रता की आयु कितना आ गया 12 वर्ष। नम्रता की आयु 12 वर्ष और पिता की आयु 3 गुनी मतलब 3 गुना 3 गुने 12 बराबर 36 वर्ष। और दोनों को जोड़ लीजिए, 48 आता है कि नहीं आता है, 12 6 2 8 4 3। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 10 बनकर